ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्थान को हर कीमत पर अक्षय ऊर्जा हब बनाना है, जो रियायत सरकार की ओर से निवेशकों को दी जा सकती है। उन पर तुरंत निर्णय लेने के साथ सुनियोजित विकास की पहल करनी है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश पर राजस्थान की गहलोत सरकार काम कर रही है। अक्षय ऊर्जा की नीतियों, चल रहे प्रोजेक्टों और मेगा सोलर पार्क संभावनाओं पर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत वित्त, ऊर्जा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अक्षय ऊर्जा के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और सोलर विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लागू की है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और मेगा सोलर पार्क परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि निगम मिशन भावना के साथ काम करते हुए वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के लिए तय 30,000 मेगावाट और ऊर्जा और 7,500 मेगावाट विंड तथा हाइब्रिड एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करें। राजस्थान में 2.7 लाख मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी उत्पाद की क्षमता है। हमें इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में नई सोच और तकनीकी के साथ काम करना होगा। इससे न केवल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन सकेगा, बल्कि इससे रोजगार के बड़े अवसरों का सृजन भी संभव होगा। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी भूमि DLC दरों पर आवंटित करने, 10 वर्ष तक परियोजना के लिए विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट देने और ऊर्जा प्रकरण निर्माताओं को स्टाम्प शुल्क में छूट और राज्य GST में 90% तक निवेश अनुदान जैसे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। साथ ही निजी कृषि भूमि पर और अथवा पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने पर भू रूपांतरण की अनिवार्यता समाप्त करने तथा भूमि खरीद के लिए सीलिंग लिमिट में छूट का प्रावधान भी किया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुछ बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत किया है। इससे प्रदेश में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभाग अक्षय ऊर्जा के विकास से जुड़ी बजट एवं अन्य घोषणाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करे। कुसुम योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय किया जाए, ताकि अपनी भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक किसानों को कम ब्याज दर पर बिना कॉलेटरल सिक्योरिटी के वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिल सके। बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि विभाग अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके लिए जरूरी नई नीति लाने के साथ ही प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर नई पहचान स्थापित करे। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र में राजस्थान बड़ा निवेश आकर्षित कर सकता है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ये पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।